चालू कर रहा हूं। चलिए, यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट क्या होता है? यूजर मैनेजमेंट मतलब आपका प्रोफाइल, आपके बारे में जो मैनेजमेंट है वो सब यहाँ पे रहता है। एक बेसिक चीजें हैं, सिर्फ अपने को इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पर इससे उतना ज्यादा कुछ यहाँ पे इसके इम्पैक्ट नहीं पड़ते। मेन है अपना बिड मैनेजमेंट, पर इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। डिवर्ड या रिवोक्ड, ये पहले नहीं था, अभी इसको अपडेट किया गया है। यदि आपको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया तो आपका नाम यहाँ पे दिखेगा। कब से कब तक ब्लैकलिस्टेड किया, क्यों किया, सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। ये डिवर्ड या रिवोक डिटेल्स, यदि आपको कोई भी डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड किया था आपको यहाँ दिखना चालू हो जाए। उसमें आते हैं माय अकाउंट। माय अकाउंट में 5 पार्ट है, यूजर प्रोफाइल, ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन, प्रिविलेज एंड डैशबोर्ड। हम एक एक पार्ट कवर करते हैं। सबसे पहला यूजर प्रोफाइल। यहाँ पे आपने प्रोफाइल जो आपने इनरोलमेंट करते वक्त बनाए थे उसको आप देख सकते हो। ये देखो, मैंने जो प्रोफाइल बनाया था वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, सिर्फ देख सकता हूँ। मैंने बोला एडिट करना है तो उसके बाद ऑप्शन, एडिट करना है तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ से आप एडिट भी कर पाएंगे। जैसे कि मेरा प्रोफाइल का पासवर्ड है, ये आपको सेट करना पड़ता है, पहले आपको सेट करना पड़ेगा, फिर प्रोफाइल का पासवर्ड, आपको प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ से सेट करेंगे। ये पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ से पासवर्ड डालो, दोनों कन्फर्म करो, आपका प्रोफाइल पासवर्ड सेट हो जाएगा। जैसे सेट हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। लॉगिन पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों सेम नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। मैं खुद पासवर्ड भूल चुका हूँ इसका। तो एनीवे, आपका ये पासवर्ड चेंज, यदि आप पासवर्ड मतलब डाल देते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ दो चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे, आपका ईमेल आईडी, सॉरी लॉगिन आईडी और आपका कंपनी का नाम, बाकी सब चीज एडिटेबल है, एडिट आप कर पाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना है कि यहाँ से कर पाएंगे, यहाँ पे जाओ, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों, ईमेल आईडी अपडेट करना है, ईमेल आईडी पे क्लिक करो, नया और कंफर्म ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी बदल जाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो नया और कंफर्म ईमेल आईडी डालिए, नया से कैप्चा डालिए, सबमिट सेंड ओटीपी कीजिए, नया ओटीपी आएगा, सबमिट कीजिए, आपका मोबाइल नंबर बदल जाएगा। पहले का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। और प्रोफाइल इमेज, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप कोई फोटो अपलोड करना चाहते हो या अपलोड कर दोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। ये है यूजर प्रोफाइल। कुछ पूछना है यूजर प्रोफाइल के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। यदि मुझे ऑथेंटिकेशन में नहीं जाना है तो मैं डायरेक्ट यहां से नहीं जा सकता, मुझे फिर से यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी सब ये हाईलाइट होगा, अब मैं ऑथेंटिकेशन पे जा सकता हूँ, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन में दो पार्ट है, पासवर्ड बदल सकते हो और डिजिटल सिग्नेचर। जी, आप यहाँ का पासवर्ड है वो बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो, चेंज पासवर्ड, तो आप यहाँ से मेन लॉगिन का पासवर्ड बदल सकते हो। ओल्ड पासवर्ड डालना है, कंफर्म, न्यू और कंफर्म डालो, कैप्चा डालो, सबमिट करो, पासवर्ड बदल जाएगा आपके अकाउंट का। अदरवाइज डिजिटल सिग्नेचर, आपने इससे पहले कितने डिजिटल सिग्नेचर यूज किया है, अभी कौन सा डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो। अब ये डिजिटल सिग्नेचर आपको यूज नहीं करना है और इसके बदले नया डिजिटल सिग्नेचर यूज करना है, इसको निकालना है तो भी आप कर सकते हो। ये सब काम यहां से हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। अभी मैं ये डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहा हूं, इस पोर्टफोलियो में मैं कभी दूसरा डिजिटल सिग्नेचर यूज किया था क्या, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा नीचे। ये डिजिटल सिग्नेचर का मुझे निकालना है या इस डिजिटल सिग्नेचर का और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। व्यू पे तो मुझे इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखता है। देखो ये कहाँ का है, जो एड्रेस है ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर का है, यहाँ पे पूरा सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाता है। इनरोलमेंट कब किया था, तो 30 मार्च को मैंने इसको इनरोलमेंट किया था, मतलब इस पोर्टल में डाला था 10:00 PM। एक्सपायरी भी कब होगा, ये 29 मार्च 2023 को ये DSC मेरा एक्सपायर हो जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यदि मुझे अभी ये DSC यूज नहीं करना है, उसके बदले नया DSC यूज करना है, तो मैं एक्शन में जाएंगे और इसको इनएक्टिव कर देंगे, फिर लॉग आउट करेंगे और लॉग इन करेंगे तो मुझे नया DSC यूज करने को मिलेगा। ये है हमारा माय अकाउंट में
ऑथेंटिकेशन, बोलिए किसी को ऑथेंटिकेशन में कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थर्ड पार्ट, मेल या एसएमएस और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आपको देखो कोई भी मेल या एसएमएस आता है, जैसे मैंने अभी टेंडर सबमिट किया तो मुझे मेल आया, एसएमएस भी आया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ एसएमएस नहीं आने चाहिए, सिर्फ मुझे मेल आना चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। कोई भी सर्विस मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, पर बाय डिफॉल्ट सब कुछ टिक किया हुआ रहता है। ये मैंने ही अनटिक किया, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोफाइल में सब कुछ टिक मिलेगा। जैसे मुझे लगता है जब मुझे एक्सेप्ट किया गया तो उसका मेल नहीं आना चाहिए, सिर्फ एसएमएस आना चाहिए, तो मुझे मेल नहीं आएगा, सिर्फ एसएमएस आएगा, तो मैं यहाँ से कोई भी सर्विसेज को बंद कर सकता हूँ सिर्फ। तो मेरे सिर्फ वो सर्विसेज मेरे लिए मेल पे बाना अभी मेल बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसएमएस आएगा। तो मैं कोई भी सर्विसेज को यहाँ से मेल या एसएमएस के सर्विसेज बंद कर सकता हूँ या चालू कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट सब कुछ चालू ही रहता है। प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी है। आपको मान लीजिए कोई टेंडर में इंटरेस्टेड है, जैसे कि सर कुछ बोल रहे थे, सर को फर्नीचर के काम में इंटरेस्टेड है, तो आपको लगता है कि फर्नीचर का कोई टेंडर आया तो आपको अलर्ट आ जाना चाहिए, यहाँ से आपको अलर्ट आ जाए। जैसे मुझे लग रहा है कि फर्नीचर का मुझे कोई काम में इंटरेस्टेड है तो मुझे उसका अलर्ट चाहिए। पहले के मेरे फेवरेट लिस्ट में कौन कौन है देखो, ये तीन कैटेगरी मेरे पहले के फेवरेट लिस्ट में इलेक्ट्रिकल, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। इलेक्ट्रिकल का है कोई, तो देखते हैं ये सर्विसेज के हैं। अभी ये वर्क का चालू हो गया, मुझे यहाँ पे फर्नीचर का चाहिए, और भी कोई चाहिए तो मैं यहाँ से टिक कर लूंगा, इसमें से कोई चाहिए तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। पांच ये देखो, मैं इसको निकाल देता हूँ अभी, और मुझे लगता है कि मुझे फर्नीचर का मैं टिक कर देता हूँ। ये आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, फ्लेट मैनेजमेंट का, ये सब का, हैंडीक्राफ्ट के, हैंडक्राफ्ट के, ऑयल गैस के, पाइपिंग के टेंडर, आपको जिसका आप में इंटरेस्टेड हो आप मैक्सिमम 10 को टिक मार्क कर सकते हैं। इधर के फर्नीचर के टेंडर, फर्नीचर ठीक है, हायरिंग ऑफ गुड्स के भी चाहिए, और कोई चाहिए क्या, मुझे इसका चाहिए तो इसको सबमिट। अभी फर्नीचर एंड फिक्स्चर में कोई भी टेंडर आता है, कोई भी टेंडर, तो आपको पर डे 5 बजे, सुबह के 5 बजे आपके मेल आईडी पे मेल आ जाता है, मॉर्निंग के 5 बजे, जो इस कैटेगरी में कितने टेंडर आया है। तो आपको अभी ये कैटेगरी में है, आपको इसकी जो कैटेगरी में टेंडर भरना है वो कैटेगरी टिक मार्क कर दो। जैसे कि मुझे और भी भरना है, मान लीजिए मुझे लेबोरेटरी के आइटम का भी टेंडर भरना है या मेडिसिन के भरना है, मेडिसिन पे भी टिक कर देता हूँ और सबमिट कर। तो मैंने यहाँ पे 2 टेंडर्स में 2 कैटेगरी को सबमिट कर दिया। कौन कौन सा कैटेगरी टिक मार्क है तो व्यू फेवरेट कैटेगरी में देख भी सकते हैं। ये 2 कैटेगरी है जिसको मैंने अभी रखा है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कभी भी कोई भी टेंडर पब्लिश होता है पोर्टल में तो पर डे सुबह के 5 बजे मुझे मेल आ जाएगा। जब मेल आएगा तो मैं यहाँ पे आके चेक कर लूंगा। तो मेरे कैटेगरी में कोई भी टेंडर आया है वो कैसे मैं चेक करूंगा? चेक करने के लिए सीधा सिंपल है, सर्च में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, आपको मेल आया कि आप यहाँ पे आने का लॉगिन करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पे देखो सर्च में यहाँ पे टिक कर देने का माई प्रोडक्ट कैटलॉग कैटेगरीज, इसको सर्च कर दो। अभी आपके कैटेगरी में जो भी टेंडर्स है, अभी लाइव में जितने भी टेंडर्स है आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उनको अभी तक ये सर्च नहीं किया है, वेट करेंगे थोड़ा, शायद पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है या इंटरनेट में स्लो चल रहा है। इंटरनेट का तो नेटवर्क प्रॉपर है तो फिर फास्ट चलना चाहिए, फिर पोर्टल स्लो चल रहा है।
इंटरनेट चला गया मेरा, इंटरनेट तो है चालू, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। प्रोसीड। प्रोसीड यहां से फिर से पॉपअप आएगा मेरे पास लॉगिन के लिए, लॉगिन हो जाएंगे फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा। ये आपको यदि पॉपअप नहीं चाहिए तो आप यहां पे डोंट आस्क का बटन कर देंगे तो यह नहीं आए डायरेक्टली लॉगिन। पर मैं इसको रिकमेंड करता हूँ रहने देने के लिए, कभी कुछ एरर आया तो मुझे पता चलता है जावा की वजह से आ रहा है, इसलिए इसको जनरली मत निकालो। सर्च में थे हम लोग, सर्च में देखेंगे माय फेवरेट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी डालेंगे, सर्च करेंगे, यहां से मुझे सर्च देखो जो भी मेरे कैटेगरी में है वो ऑटोमेटिकली मुझे दिख गया 20 मेरे कैटेगरी में, तो मुझे यहां से टेंडर पर कोई भी टेंडर का, मुझे ये टेंडर का फर्नीचर का ही टेंडर, तो मुझे इसका इंफॉर्मेशन देखना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इस टेंडर के बारे में जो टेंडर का इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसमें चार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या है नॉर्मली बता दिया गया है, टेंडर का फीस कितना है, ईएमडी कितना है, किसके बारे में टेंडर है, ये सब नॉर्मल आपको एक घंटे को आइडिया आ जाता है, मैं यहाँ से देख लूँ। तो ये अपने को बेनिफिट मिलता है कम्युनिकेशन। बोलिए यहाँ तक में कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो कुछ। जैसे आपने बोला था जब हम टेंडर सर्च करते हैं तब अगर उस टेंडर डॉक्यूमेंट में या फिर टेंडर जब यानी कि किया है टेंडर तब उसमें वो वर्ड होगा तभी वो सर्च होगा, बराबर। यानी कि अगर ये वर्ड उसमें नहीं होगा उस टेंडर में तो वो सर्च ही नहीं होगा, नहीं करेगा। मतलब अभी क्या प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, वही अभी तो होगा जैसे कि आप इस टेंडर को देखेंगे तो ये कौन से कैटेगरी में है आपको यहाँ पे पता चलता है, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स के कैटेगरी में, तो यदि ये टेंडर आपने इलेक्ट्रिकल गुड्स करके रखा होता तो ये टेंडर आपको मिलता था और डेली आपको मेल भी आएगा जो आज इलेक्ट्रिकल गुड्स में कितने टेंडर पब्लिश हुए। मतलब आपके लिए कैसा हो जाता है कि आपको कहीं से कोई टेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं और आपके पास इतना टाइम भी नहीं, तो आप यहाँ पे उसको इस पोर्टल को एक्टिवेट करके रख सकते हैं, आपको डेली मेल आ जाएगा, आपको लगा अरे आज मेल आया है मेरे पास, आज 10 टेंडर हुए तो मैं देख लेता हूँ पोर्टल में अंदर जाके कौन कौन सा टेंडर है, उसमें से मैं कोई टेंडर भर सकता हूँ कि नहीं। थर्ड आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज में आपको जीएसटी के बारे में, आपको मैंने बताया था जीएसटी नंबर ऐड करना है तो आप यहां से प्रिविलेज में जाके जीएसटी नंबर पे जाके आप जीएसटी नंबर अपना ऐड कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं, करेंगे तो भी चलेगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कर लीजिए है तो आपके पास। आप यहां पे जीएसटी का जो भी आपका स्टेट कोड है वो स्टेट कोड डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है और लास्ट का ये 3 डिजिट ऐसे डाल देना, जीएसटी में नाम क्या है वो डाल के सेव कर दीजिए, ऐसे आपको आए। कब इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए डिलीट कीजिए, डिलीट हो जाए। आप इस तरीके से अपना जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं। कहां से करेंगे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माय अकाउंट में जाके प्रिविलेजेस, उसके बाद डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड में आपके सबके कॉमन डैशबोर्ड्स है जहां पे आप सब चीज का इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिलता है, जैसे कि एग्जांपल पे कोई टेंडर आज खुलने वाला है, कोई टेक्निकल ओपनिंग है, किसी का फाइनेंस ओपनिंग है क्या,
कोई कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आया है क्या, शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट्स कुछ है क्या, बिड इन प्रोग्रेस मतलब माय टेंडर में कितने टेंडर अवेलेबल, टेंडर इन माय कैटेगरी जो आप लोगों ने अभी कैटेगरी चूज किया था, देखो थोड़ी देर पहले दो कैटेगरी चूज किया था, उस कैटेगरी में कौन कौन से टेंडर है और कितने हैं, तो 20 है, तो कौन कौन से है, तो यहाँ पे क्लिक करो तो वो 20 टेंडर का लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसे आप देख भी सकते। आपको लग रहा है अभी इसमें से मुझे कोई टेंडर है क्या जो मुझे अभी कोड पता है, मान लो मुझे आरडीडी, मुझे आरडीडी का टेंडर बनना है तो मुझे आरडीडी का कोड पता है, तो मैं यहाँ पे आरडीडी बोल के सर्च करूँ, तो कोई टेंडर आरडीडी के रिगार्डिंग है क्या, आरडीडी का नहीं, मतलब जिला परिषद का कोई नहीं है, पीडब्ल्यूडी का कोई टेंडर है क्या, उसका कोड है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का भी नहीं, तो ऐसे आप इस तरीके से नॉर्मली सर्च भी कर सकते हो। जैसे आपके एनएमसी, ये एनएमसी का एक टेंडर और कोई है क्या, नहीं, तब ऐसे आप सर्च यहाँ से भी देख के एक आइडिया लगा सकते, यहाँ पे आपको सबका ओवरऑल लुक आपको बता दिया जाता है, ये आपके पूरे माय गॉड यहाँ पे डैशबोर्ड में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाता है। बोलिए यहाँ तक में कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, कुछ चलिए फिर आते हैं हम लोग माय डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको एक 25 MB का स्पेस दिया हुआ है, 25 MB का, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। कैसे अपलोड करने का, जैसे कि मुझे पेमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है कोई, या फिर डेबिट किसी का अपलोड करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, एक गूगल ड्राइव की तरह है, आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रख सकते हैं, पर इसके साथ उसका लिंक बहुत ही कम टेंडर में करने को मिलता है, आपको यहाँ से डाउनलोड करके ही अपलोड करना पड़ेगा। देखो मैं जी यहाँ पे कभी लिंक करने का ऑप्शन नहीं मिला था, कोई कोई टेंडर में लिंक रहता है, वैसा टेंडर रहा तो मैं आपको बता दूंगा कौन से टेंडर में आपको लिंक कर सकते हो। EPF1 का मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड, जब भी अपलोड करे कोई यहाँ पे साइन करो, ये हो गया, देखो ये अपलोड हो गया, इसको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करो, ये सेव हो गया, डाउनलोड, अब इसको डाउनलोड, ये पूरा प्रोसीजर है यूजर मैनेजमेंट। ऑक्शन मैनेजमेंट का, यहाँ पे ऑक्शन का टेंडर नहीं है इसलिए ऑक्शन मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं आता, उसके लिए अलग से साइड है ई ऑक्शन का, पर ऑक्शन के बारे में हम लोग एक बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर देखेंगे कल के क्लास में। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है यहाँ तक में तो पूछ सकते।